फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीश विजन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कौन सा स्टार्टअप सबसे ज्यादा बूम करने वाला है। देखो, आने वाले टाइम में प्लांट बेस्ड जो मीट के स्टार्टअप्स है ना, ये बहुत तेजी से बूम करेंगे। हिंदुस्तान वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है जहाँ पे मीट कंजम्पशन होती है, और यहाँ पे 60% से ज्यादा लोग इस समय अपने मीट को प्लांट बेस्ड प्रोटीन से रिप्लेस करने वाले हैं। क्योंकि देखो, हिंदुस्तान के अंदर है ना, लोग प्रोटीन तो चाहते हैं, क्योंकि प्रोटीन आज के टाइम में हर एक की नीड है। प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, साइंटिस्ट भी ये कहते हैं, प्लस से भी रिसर्च निकल कर आई है। अगर आप पर डे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो एक टाइम बाद आपके बॉडी के अंदर वीकनेस आना चालू हो जाएगी। इवन कई CEOs और टॉप पर्सनैलिटीज अपने डाइट के अंदर मॉर्निंग में प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, आपको हाई एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे काफ़ी कम होते हैं, लो होते हैं, जिसके चक्कर में प्रोटीन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और देखो, जो मीट मार्केट है ना, वो 4.11% GDP को भी कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो, एक चीज़ समझो, हिंदुस्तान में क्या मंगलवार है, शनिवार है, बहुत सारे वार आते हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। अब इसके चलते लोग मीट नहीं खा पाते, बट प्रोटीन डेली चाहिए, तो इसके चलते लोग अब अल्टरनेटिव ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं। दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। प्लस मैं शार्क टैंक को कंटिन्यूसली देखता हूँ, स्टार्टअप पे कंटिन्यूसली रिसर्च करता हूँ, एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, और आने वाले टाइम में कौन से ज़्यादा स्टार्टअप चलेंगे, कि इनको फंडिंग मिलेगी, कौन से ज़्यादा बूम पे रहेंगे, उनको लेके वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाओगे ना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं स्टार्टअप के एनालिसिस को लेके, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने पसंद भी करा है, मेरे को कमेंट करा है, शेयर करा है, और मेरे को पर्सनली मैसेज करा है। तो उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो मेरे लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे शार्क टैंक के स्टार्टअप्स को एनालिसिस करा है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आने वाले टाइम में क्या लोग प्रोटीन खाएंगे, बट नॉट थ्रू मीट। प्रोटीन बेस्ड स्टार्टअप्स आ चुके हैं जहाँ पे ये लोग डिलीशियस प्रोटीन लेकर आ रहे हैं, जो कि प्लांट से बना हुआ है। अब देखो, दुनिया के अंदर जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का मार्केट है ना, वो $3.2 बिलियन का इस समय, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। इवन बड़ी बड़ी कंपनी ने भी, जैसे नेस्ले ने अपना खुद का पहला प्लांट बेस्ड बर्गर, जिसका उन्होंने नाम रखा था ऑसम बर्गर, 2019 में लॉन्च कर दिया था। अब क्या होता, नॉन वेज बर्गर लोग खा रहे थे, बट जो वेजिटेरियन है, जिसको प्रोटीन चाहिए, उसके लिए इन्होंने ऑसम बर्गर नाम का 2019 में एक बर्गर लॉन्च करा नेस्ले कंपनी ने, जो कि प्योरली प्लांट बेस्ड था, जिसके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन था। अब टेस्को कंपनी ने भी, यूनिलीवर कंपनी ने भी इसके लिए R&D टीम बिठाई है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करा है, क्योंकि वो भी इस मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बियॉन्ड मीट, जो कि 2009 में चालू हुआ था, और इम्पॉसिबल फूड्स 2011 में चालू हुआ था, ये दोनों कंपनीज मार्केट में प्लांट बेस्ड मीट मार्केट में काफ़ी अच्छा लीड कर रही है, जहां पर इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, CEOs, VC fund इस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं। बिल गेट्स हो गया, ओपेरा गिल हो गई, और बड़े बड़े VCs अपना पैसा लगा रहे हैं। अब देखो, बहुत सारे रिसर्चेस भी इसके ऊपर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड द गुड फूड इंस्टीट्यूट ने 2019 में कहा है कि 63% इंडियंस प्लांट बेस्ड मीट को कंज्यूम करना चाहते हैं, बट उनके पास अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं ना हैं, इस चलते वो दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखो, आपको एक स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ, गुड डॉट 2016 में चालू हुआ था इंडिया में, इसके CEO हैं अभिषेक सिन्हा, और इन्होंने बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करा। इनके पास खुद की ब्रांड का गुड डॉट का ट्रेडमार्क भी है इस समय, और काफ़ी अच्छे से स्टार्टअप ने ग्रोथ करी, क्योंकि देखो ये स्पेस इस समय खाली है, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है। फिर दूसरा ब्रांड आया था मार्केट में निकल के, इमेजिन मीट्स करके, जो कि दो सेलिब्रिटीज रितेश देशमुख और उनकी वाइफ ने चालू करा था मिलके। काफ़ी समय से ये अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि कौन सा अच्छा हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन मिलेगा, इनको नहीं मिला, तो उन्होंने खुद की ही ब्रांड R&D करने के बाद मार्केट में लॉन्च कर दी। फिर देखो, एक और स्टार्टअप के बारे में आपको बताता हूँ, जो भी शार्क टैंक के ऊपर भी देखा गया था, और मैं काफ़ी सारे शार्क टैंक स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर एनालिसिस कंटेंट लेकर आता हूँ, कि उनके IP में क्या अच्छा था, उनके बिजनेस में क्या अच्छा था, जिसकी वजह से उनको फंडिंग मिली और वो आगे बढ़ गए। जो मैं आपको स्टार्टअप बता रहा हूँ जो शार्क टैंक में आया था, उसका नाम है वकाओ। इनको फंडिंग भी मिली, इनका IP पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छा था, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को यूज़ करा था रादर देन नेचुरल एलिमेंट्स, जिसके चलते इनको काफ़ी कम पैसा ऑफर करा गया। 21% इक्विटी इनसे शार्क मांग रहे थे फॉर 75 लाख रुपीज़, जिसमें शुगर की फाउंडर, मामा अर्थ की फाउंडर ने इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल दिया था, बट उनको ये ठीक नहीं लगा फाउंडर्स को, तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया। अब देखिए, काफ़ी सारे लोग इस समय प्लांट बेस्ड स्टार्टअप के बिजनेस में आना चाहते हैं, वो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सिंपली इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए दो तीन चीज़ें मैटर करेगी लॉन्ग रन में, जो आपको IPR में ध्यान रखनी है। सबसे पहला ब्रांड का ट्रेडमार्क। अब देखो,
कोई चीज़ हम खाते हैं ना तो हम पहले ब्रांड नेम को देखते हैं। अब देखो आज मैं मार्केट में जाऊंगा, चॉकलेट बाय करूंगा तो डेयरी मिल्क की करूंगा, नेस्ले की करूंगा, बड़ी ब्रांड है वो। नया ब्रांड मार्केट में आता है मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ब्रांड खानी है, मतलब वो चीज़ खानी है, अपने अंदर लेनी है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि ब्रांड नेम बहुत ज़रूरी है। आप उसका ट्रेडमार्क लो, उसको रजिस्टर्ड कराओ, क्योंकि आप अमेज़ॉन में बेचोगे, वेबसाइट के थ्रू बेचोगे, पोर्टल्स के थ्रू बेचोगे, तो वहाँ पे वो आपसे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नंबर मांगते हैं। दूसरी चीज़ होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्यों ज़रूरी है? जो आप बाहर का लेबलिंग करते हो, डिज़ाइन करते हो, वो एक आर्टिस्टिक वर्क है, तो आपको TMC सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इसका यूज़ करते हैं। TMC सर्टिफिकेट लिख के रख लेना, नेट पे आप सर्च कर सकते हो। TMC सर्टिफिकेट चाहिए अपने लेबलिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइन का, सबका कॉपीराइट चाहिए, इससे कॉम्पिटिशन आपको कॉपी ना कर पाए। तीसरी चीज़ आपको चाहिए, अगर आपके पास प्रोसेस यूनिक है, कुछ नई चीज़ आपने इनोवेट करी है, बेटर प्रोसेस के साथ आपने क्रिएट करी है, तो वहाँ पर आप पेटेंट भी लो। जी हाँ, पेटेंट लेना भी ज़रूरी है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप पेटेंट नहीं लोगे मार्केट में एंटी बैरियर नहीं होगा, कंपटीशन आपके फॉर्मूलास को देखेगा, स्टडी करेगा और कॉपी करके नया आइटम मार्केट में लॉन्च कर देगा। अगर आप फंडिंग लेने भी जाओगे तो कोई शार्क होगा, कोई इन्वेस्टर होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपका कंपटीशन कल मार्केट में खड़ा क्यों नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, 1-2 करोड़ 100 करोड़ बहुत कम है। जियो के केस में 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ बड़ा अमाउंट होता है, उतना कोई नहीं लगा सकता, बट 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ बहुत मिनिमम अमाउंट है। अगर कॉपी करके मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट अच्छे तरीके से लॉन्च किया जा सकता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क मेरे पास है, ब्रांड वैल्यू में 2-3-4-5 साल से क्रिएट कर रहा हूँ, सारे कॉपीराइट मेरे पास है, डिज़ाइंस मेरे यूनिक है, मैं रजिस्टर्ड करवा चुका हूँ, TMC सर्टिफिकेट मेरे पास है और सारे पेटेंट्स मेरे पास है, तो उस केस में फंडिंग मिलना आपको काफ़ी इजी हो जाएगी। अगर आपके डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो लाल कलर का बटन दबा के, जिससे मैं जैसी काम की वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे एक और चैनल है सोनी स्वीजन लीगल, उसको भी जाकर चेकआउट करना, वहाँ मैंने IPRs के ऊपर डिटेल वीडियोज बनाई है, डिटेल केस स्टडी बनाई है, उनको भी जाकर आप चेकआउट करो, उनको भी देखो, उससे भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।